हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अगस्त, मेरा एंगेजमेंट डे, और 17 इयर्स पहले मैं कटिहार में पहली बार आई थी। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन। स्पेशली मैं, मेरा हस्बैंड श्रेष्ठा योद्धा और एडी भी साथ में है। तो क्या क्या करने वाले हैं वो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टे ट्यून्ड। आज का शुरुआत हो गया है, लेकिन श्रेष्ठा अपने से मेकअप किए कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। आज का स्टार्ट जो है हम लोगों का सेलिब्रेशन का, वो शुरू होता है सिटी कालीबाड़ी से, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था कि माँ का दर्शन करें। तो माँ को माथा टेक के फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ में चलिएगा। चलते चलते हम लोग पूर्णिया तो पहुंच गया। पूर्णिया में कहाँ जाना है या हम लोग कहीं और जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। मुझे पूर्णिया तक ही पता था, लेकिन अब नेक्स्ट क्या प्लान है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वो लोग आएंगे प्रणाम पूजा करके, उसके बाद मैं बता पाऊँगी। सिटी कालीबाड़ी से निकल गए हैं हम लोग, मतलब निकल रहे हैं। और क्या बोलो ना। हाँ बिल्कुल, अब कहाँ जाना नहीं, ये मुझे नहीं पता। चलते चलते हम लोग पूर्णिया से भी बाहर निकल आए हैं, और अभी बहुत एक स्पेशल जगह में हमको मेरा हस्बैंड लेके जा रहे हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था। कहाँ जा रहे हैं, ये सरप्राइज क्या है, चलिए दिखाते हैं। हम में फिर पूर्णिया में आए हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं। मुझे तो इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे यहाँ आना है, बट हो नहीं रहा था, संजोग नहीं बन रहा था। और आज इतना स्पेशल डे है, और इसको और ज़्यादा स्पेशल मेरे हस्बैंड ने बना दिया मेरे लिए। गिफ्ट्स भी मुझे बहुत सारा मिला है, मैं सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन पहले तो ये मेफेयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, अच्छा बना है ना, सुंदर है। वाओ, लग रहा है कहीं अलग जगह में पहुंच गए हैं ना, कटिहार से कहाँ आ गए। कॉर्नर साइड है ना, कॉर्नर में बहुत मजा है। मतलब यहाँ तो थोड़ा सा धीरे से बात करना ही पड़ेगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। खुशी ऐसा लग रहा है कि कोई होटल में, होटल ही है ना। हाँ, हमको लग रहा है कोई रेस्टोरेंट है। नहीं, होटल है, एक भी रहेंगे यहाँ। अच्छा, मजा आएगा। तुम चुपचाप क्यों हो, क्यों पापा से, कोई बात नहीं है। अभी चल रहा है मेनू का सिलेक्शन। श्रेष्ठा का फेवरेट डिशेस सब है यहाँ, और हस्बैंड देख रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छा ऑर्डर करते हैं। मुझे यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है, मैं बस पहुँच गई हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत है। क्या ऑर्डर कर रहे हैं मैं शेयर ज़रूर करूँगी।
यहाँ पापड़ तो दिया है स्टार्टर में, थोड़ा सा तीखा है, बहुत मस्त है, बहुत मजा आ रहा, लेकिन वो अगर खराब हो जाए तो खाना चाहिए। राइस नहीं, बटर सॉस, सीनी नीलम ग्रिल चिकन नीलम, जिगुटा किलो, जिगुटा किलो ना चिकन सॉस बटर, तो खेते पड़े हो गोल्डन सॉस, बोनलेस चिकन स्मोक विद ब्राउन सॉस सर्व विद हर्ब राइस। खावे ना पसंद करे ना। কি খাবি তুই? ভাত আছে। ও তো তন্দুর টাইপের পছন্দ। পাস্তা খাবি? কাবাব খাবি? কাবাব দিবি। उसका नहीं जानते चिकन। स्टार्ट। आपने क्या-क्या खाना ऑर्डर किया है? आपके लिए ग्रिल फिश है। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें है। इसके लिए है ग्रिल चिकन। हां। गुड्डू के लिए चिकन स्टैंड ऑफ है। हां। मेरा बेटा के लिए और मेरे लिए थाई करी फ्राइड राइस है। बाकी आते रहेगा, देखते रहिए, खाते रहिए। तो अभी जो है वो है गिफ्ट्स का टाइम। मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला वो मैं दिखाऊंगी। मुझे आज जो गिफ्ट मिला है वो है सैमसंग S24 अल्ट्रा। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगी, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कुछ है? है, एक सरप्राइज है दादा के पास जो शायद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही स्पेशल है और शायद देखिए, शायद मैं दिखाऊंगा, इसके बाद दिखाऊंगा। मुझे अंदाजा था बट देखते हैं, कहीं ना कहीं देखिए। और क्या मामला था, ये तनिष्क का खेला देखिए क्या है, ये है तनिष्क का, तनिष्क शाइनिंग दे रहा है। मुझे अंदाजा तो था, भनक लगा था, बट मैं इंतजार कर रही थी। वाओ, दिन कैसा लगा आप लोग बोलिएगा मुझे तो। थैंक यू, वेलकम। मैं ज़्यादा रिएक्शन तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, मतलब यहाँ मैं कैसे रिएक्शन दूँ, बट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया रही, बहुत पसंद आया मुझे, बट ठीक है, इससे ज़्यादा मैं यहाँ रिएक्शन नहीं दे सकती। ठीक है, देखिए हम लोगों का अरेंज मैरिज हुआ है, बट हम लोग छोटा छोटा सा भी पल जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले नहीं, सबको लेके। ये बात तो है कि बच्चे लोग भी रहेंगे, कोई और भी हो तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले मज़ा नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। और मोबाइल तो ऑसम है, मैं उसी में अभी मतलब शूट कर रही हूँ, और रिंग तो माइंड ब्लोइंग है। कब लिए आप ये? कल, मुझे लग रहा था दाल में कुछ काला है। फोटो का কথা না বলার কি আছে? हम लोग थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए आए हैं। मेफेयर है, नाइस। अभी जा रहे हैं, हस्बैंड वेट कर रहे हैं। सूप आ गया है बाबा। बाबा लंका লঙ্কা यहाँ फिश फिंगर है और
फ्रेंच फ्राइज है, मेयोनीज के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा है और बहुत दिन बाद मैं फ़िश फिंगर ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि सिलीगुड़ी में अक्सर खाते रहती हूँ बट कटिहार में बिल्कुल भी नहीं मिलता है फ़िश का आइटम। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है, एक्सीलेंट। ये ऑर्डर ड्रिंक्स में मैंने ऑर्डर किया फ्रूट पंच, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा मुझे बाबा धाम में जो हम लोग खाए थे, ठीक है नहीं, होटल रेस्टोरेंट का चिन्ह जिन्होंने खेला लास्ट टाइम एम्पेरियल हाइट्स का, ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था बट ये भी अच्छा है। सबसे पहले श्रेष्ठा का ऑर्डर आया है और वो है ग्रिल चिकन विथ मिंट राइस एंड स्पाइसी हर्ब्स। तो श्रेष्ठा इंजॉय करेगी पहले और फिर हम लोगों का आ रहा है, लेकिन सर्विंग बहुत ज़्यादा लेट नहीं है, बहुत अच्छा टाइमिंग है। श्रेष्ठा कैसा है, थोड़ा सा रिव्यू देना। अच्छा ग्रिल चिकन, मैंने ग्रिल राइस का भी खाया था, ये ज़्यादा अच्छा है। और बाकी वेजेस वगैरह राइस राइस भी अच्छा है, बंगाली स्टाइल सिद्धो भात वही है। चलो तुम एंजॉय करो खाना। ड्रिंक्स में क्या है तुम्हारा? आइस क्रीम, लेमन आइस क्रीम। ऊपर मध्ये হবে এরকম মুখগুলো লাগছে না। इंतज़ार कर रहे हैं अपना टाइम कब आएगा, कब आएगा अपना टाइम। गुड्डू भैया का जो चिकन स्टैंड अप है वो स्टैंड अप हो रहा है। पहले वाला मामला तो झुक गया है, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ चिकन फ्राइड राइस आ गया है, स्टीम राइस भी है और उठा की थाई चिकन करी भी आ गया है। तो ये मेरा हस्बैंड का, स्पर्श का और गुड्डू भैया का, नहीं हस्बैंड का और स्पर्श का ऑर्डर है, हमारा और गुड्डू भैया का आने वाला है। श्रेष्ठ अपना मील एंजॉय कर रही है। गुड्डू एडी का आ गया है, क्या है? चिकन स्टैंड अप। तो आप स्टैंड अप होके खाइएगा। हां पता नहीं दादा का चॉइस, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा खा के रिव्यू दीजिए। आप बोलिए, आपका सैफ्रॉन राइस है ना? कैसा है टेस्ट? नाइस। परफेक्ट है सब कुछ। रेटिंग 10 से ऊपर दिया जाता है, चाहे वो आप गिवन 10 पॉइंट अबव। इतना अच्छा है, मैं आपको भी टेस्ट करा। मैंने हस्बैंड वाला ट्राई किया, सच में ऑसम है, एक्सीलेंट। हाँ तुम बताओ। एक्सीलेंट। रेटिंग 100 आउट ऑफ 10। वो पूरा खाना पड़ेगा। भला क्या? मैंने कहा साधु बाबा। कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं। है ना? राइस दी। सबका तो खाना आ गया है, मेरा ग्रिल फिश अभी तक आया नहीं है, आ रहा है। लेकिन ठीक है, सबको थोड़ा बहुत सर्व भी करके दे रही हूँ, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं खाओ, थोड़ा थोड़ा मैं भी खा रही हूँ ये लोग से। पीछे शायद बुफे का बंदोबस्त है। भाईजान खाना कैसा लगा? Awesome, बहुत अच्छा टेस्ट है। परफेक्ट है सब कुछ? परफेक्ट, परफेक्ट। पर मेटियर है। कितना कितना रेटिंग है? मुझे तो लग रहा है कि 10 में कितना नंबर?
9 तो कंफर्म जाता है, 9 तो जाता ही जाता है। ठीक है, एंजॉय कीजिए आप। चलिए चलिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। थैंक यू, बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, स्टार्ट बिस्मिल्लाह करके तो मैं बताया। अच्छा, यहाँ मेरा ऑर्डर आ गया है, ये ग्रिल्ड फिश विथ लेमन बटर सॉस के साथ। अब मैं ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा है। सबका रिव्यू तो ले लिया, अभी मेरी बारी है। ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, यहाँ ऐसा प्लेटर कभी मैंने नहीं खाया। खाना बहुत ही अच्छा है यहाँ का, सच में हर प्रिपरेशन बहुत टेस्टी है। खाने का मतलब खाने के लिए हम लोग फिर यहाँ आए हैं, बहुत टेस्टी है। तभी मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ। दाते तो लगते हो ना। नमस्ते दीदी, वो करो भलो ना। मेरा डिनर हो चुका है, अभी स्वीट डिश ऑर्डर किया है, आइसक्रीम शेयर करके खाएंगे क्योंकि मेरा पेट फुल हो चुका है। खाना बहुत टेस्टी था यहाँ का, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद अच्छा टेस्टी खाना मिला कटिहार में, या कटिहार का आसपास बोल सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, आ सकते हैं हम लोग यहाँ। तो स्वीट डिश एंजॉय करेंगे, आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। स्टे ट्यून। ये है नॉरेन गुडेर आइसक्रीम, लोकल है यहाँ का, यही मेड यहीं का बनाता है, यहीं बनाता है, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया, एकदम गुड़ का फ्लेवर है। वो वालनट खा लो, वालनट खा लो। जामुनी, मजा आ गया। जामुनी मतलब नहीं थे। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। सीजी ना, ये अनेक जगह से चेक चेक कर रहे हैं। क्या नो? ठंडा। शिनी का ब्राउनी आ गया है, मुझे टेस्ट भी करवाया। आइसक्रीम का देखिए बालों वाले। अच्छा है, वो लज्जा ब्राउनी खाए। डिनर कंप्लीट हो गया है, अभी निकल रहे हैं। रात काफ़ी हो चुका है, हाथ आ रहा है, रात काफ़ी हो चुका है। एक्चुअली न्यू मोबाइल है ना, मुझे पकड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। भाईजान का कल बर्थडे था तो आज सेलिब्रेट भी हो गया। हाँ, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। और हमेशा प्यार बना रहे मेरे बहन पे, दुआ कीजिएगा आप लोग हमेशा खुश रहे। हम लोग निकल गए हैं और अभी रात काफ़ी हो गया, इसीलिए उतना घूम नहीं सक रहे हैं। शायद अभी हम लोग रवाना हो जाएंगे यहाँ से, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। मैं फिर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, थोड़ा सा दिखा दीजिए ना।
आइए भैया चलिए। गाड़ी बुला रही। चलिए बहुत अच्छा लगा, मेरा एंगेजमेंट डे आज बहुत ही अच्छा से सेलिब्रेट हो गया। खाना तो एकदम मस्त खाए। awesome, awesome. और कोई जवाब नहीं। हाँ मेफेयर है, लेकिन एक है कि खाना का क्वालिटी अच्छा है, प्राइस भी ठीक ही है, 5 स्टार के हिसाब से ठीक है। और फिर आना चाहिए हम लोग, मतलब मेरे हस्बैंड को खाने का क्वालिटी इतना पसंद आया, उन्होंने बोला कि नहीं आ सकते, चलो एक अच्छा जगह मिल गया है। थोड़ा सा दूर पड़ता है ना कटिहार से, इसीलिए हम लोग सोचते ही रहते थे कि आएंगे, बट आना नहीं हो रहा था, तो अचानक से प्रोग्राम बन गया निकलने के बाद। दादा ने कहा है कि आप जब भी आएंगे मैं फिर ही आएंगे और हम लोग यहाँ, मतलब खाना हम लोग बहुत शौकीन है खाने का, तो हम लोग को पसंद आया, खाना का क्वालिटी अच्छा है। मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगी, आज जो मेरा इंगेजमेंट डे है वो मतलब कैसे क्या हुआ था। हम लोगों का जो अरेंज मैरिज है, तो 2 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन के थ्रू प्रपोज किया था। उसके बाद 4 अगस्त को फ्रेंडशिप डे के दिन वो आए थे मुझसे मिलने के लिए। लॉन्ग स्टोरी है ये, तो मैं बाद में आप लोगों को अच्छा से बताऊंगी। और उसी दिन उन्होंने मुझे रिंग पहना दिया था, और उसके बाद सब कुछ लगभग हम लोगों में बहुत अच्छा से फिक्स हो गया था। मेरा मम्मी पापा, इनका मम्मी पापा, सबका मतलब उन्हीं लोग का बातचीत के बाद हम लोग आगे बढ़े थे। उसके बाद क्योंकि ये पहले रिंग पहना दिए थे, तो मेरा ससुर जी जो थे उन्होंने मुझे ठीक से देखा भी नहीं था। मेरा सासू माँ के मतलब जो मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे देखा था फ़ोटो में, एक बार आके भी देखे थे। तो उन दोनों के रिक्वेस्ट के कारण मुझे कटिहार आना पड़ा। मुझे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि शादी से पहले आना नहीं चाहिए ससुराल में, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। बट मेरी जो मम्मी जी है, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम आओ, क्योंकि तुम्हारा जो फादर इन लॉ है उन्होंने तुमको ठीक से देखा नहीं, बहुत दिन पहले देखा था, और मिलना भी चाहते हैं। तो इस हिसाब से मैं कटिहार आई थी, ये नहीं गए थे। तो बात यही है कि आप लोग सोचेंगे कि तुम क्यों आई थी, आप लोग का लग सकता है। तो यही कारण है कि मम्मी पापा मुझे ठीक, मतलब बहुत दिन देखे नहीं थे, 2 साल पहले एक बार देखे थे, उसका भी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कि हम लोगों का शादी कैसे हुआ, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं अपना जो स्टोरी है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इसी के कारण मैं आई थी 10 अगस्त को। मेरी मम्मी पापा, मेरे फैमिली मेम्बर्स जो एल्डर्स थे, सबके साथ आना पड़ा। और आने के बाद एक छोटा सा मतलब सेरेमनी हुआ था, रिंग सेरेमनी हुआ था। उसके बाद हम फिर वापस उसी दिन चले गए थे। तो यही है 10 अगस्त का जो मतलब कारण है, हम क्यों मना रहे हैं आज। और हम लोग सालों से मनाते आते हैं, कभी घर पे भी हम लोग सेलिब्रेट किए, कभी बाहर जाके, कभी सिलीगुड़ी में, लेकिन हम लोग मनाते हैं। कुछ भी हो, एक फूल ही हो, हम लोग एक दूसरे को देते हैं। मैंने इस बार उनको कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा था शायद इस बार वो मनाएंगे नहीं, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज रहा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, तो जितना हो सके मैं शेयर करती हूँ। अभी वीडियो को एंड नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद एंड करेंगे, स्टे ट्यून्ड। चलते चलते अभी मुझे कुछ दिखा है, मैं शिनी के स्कूल के बाहर खड़ी हूँ। तो दूर से मुझे लगा कि शिनी का स्कूल के बाहर एक पोस्टर लगा है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि मुझे क्या दिखा है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है। टॉपर लिस्ट में मेरा बेटी का फोटो लगा हुआ है, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मतलब मैं गाड़ी से उतर के शूट कर रही हूँ, और मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और 17 इयर्स हो गया हम दोनों का रिलेशनशिप का, आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये भी सेलिब्रेशन से कम नहीं है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। और मुझे देख के देखे कौन कौन आ गया। एनीवेज ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।